दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी में इस वक्त ग्रस्त है और कोई भी देश ऐसा नहीं बचा जो कोरोना वायरस की इस महामारी से बचा हो। तो दोस्तों, हमारे इंडिया में एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया है जो सभी को चौंकाने वाला है। बात दरअसल यह है कि शादी के तीसरे दिन दुल्हन निकली कोरोना पॉजिटिव, दूल्हे समेत 32 को क्वारंटीन। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर हमारे पास भोपाल के रायसेन की एक युवती में शादी के तीसरे दिन कोरोना की पुष्टि हुई, जिसके बाद दूल्हे समेत 32 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया, जबकि संक्रमित युवती को इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया। पूरी खबर भोपाल से है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रायसेन की एक युवती में शादी के तीसरे दिन कोरोना की पुष्टि हुई, जिसके बाद दूल्हे समेत 32 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया, जबकि संक्रमित युवती को इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया है। युवती की शादी सोमवार को 18 मई के दिन सतलापुर निवासी एक युवक से हुई थी। तो दोस्तों, ये जो इस वक्त क्वारंटीन में इनको पहुंचाया गया, दूल्हा दुल्हन को दोनों को पहुंचा दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक युवती की तबीयत पिछले कई दिनों से ख़राब चल रही थी। 7 दिन तक बुखार ठीक ना होने के बाद उसने शनिवार को कोरोना की जांच कराई थी, इसी बीच सोमवार को उसकी शादी कर दी गई। तो दोस्तों, ये कुछ इस तरीके के मामला सामने आ रहे हैं जिसमें शादी ब्याह के मामले में इग्नोर कर दिया जाता है और ये एक बड़ी महामारी इस वक्त हम लोगों के बीच में जो घुसी है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि शादी ब्याह जैसे मामलों में दूल्हा दुल्हन की जाँच होनी चाहिए और जाँच होने के आधार पर ही उनका शादी का मैटर आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अनजान जगह से दुल्हन आती है और अनजान जगह से दूल्हे आते हैं, तो दोनों के मिलन में अगर किसी को, मान लो कि किसी एक को, आज तो दुल्हन को यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया और कोई अगला हादसा ऐसा ना हो कि दूल्हे के अंदर कोरोना पॉजिटिव पाया जाए, तो इन सब के लिए एक नई जाँच कराई जाए दूल्हा दुल्हन के लिए, तब जाके इनकी शादी कराई जाए। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर आपको एसटी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।